नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। चीन की चेतावनी, बहिष्कार से भारत को नुकसान। दिवाली के मौके पर देश के कई हिस्से में चीन से बने सामानों के बहिष्कार की मांग पर चीन ने कहा कि इससे भारत को ज्यादा नुकसान होगा। चीन की दूतावास ने एक बयान जारी कर कहा कि लंबे समय में इस बहिष्कार से न केवल चीन के सामानों की बिक्री प्रभावित होगी, इससे भारत में उपभोक्ताओं पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। बिना किसी उचित विकल्प के चीन के माल के बहिष्कार से सबसे ज्यादा प्रभावित भारतीय व्यापारी और उपभोक्ता होंगे। बयान में कहा गया कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक देश है और 2015 में उसका निर्यात 2276.5 अरब डॉलर के बराबर था। उन्होंने कहा कि इस दौरान भारत को किया गया निर्यात इसका मात्र 2% था, इसलिए भारतीय बहिष्कार का चीन पर अधिक असर नहीं होगा। चीन केवल इस बात को लेकर चिंतित है कि इससे चीनी इकाइयों की ओर से भारत में होने वाले निवेश पर बुरा असर होगा, साथ ही द्विपक्षीय सहयोग भी प्रभावित होगा। चीन और भारत के लोग ऐसा नहीं चाहेंगे। उरी में सेना के शिविर पर हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के मद्देनजर भारत में चीन के सामानों की बहिष्कार की मांग उठ रही है, क्योंकि चीन को पाकिस्तान का समर्थक माना जाता है। गौरतलब है कि भारत सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर ऐसे किसी बहिष्कार की बात नहीं की गई है, लेकिन खुदरा व्यापारियों के संगठन कैट ने हाल ही में कहा कि दिवाली पर चीनी वस्तुओं के आयात में इस साल 30% तक गिरावट आ सकती है। भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव और इससे चीन के झुकाव के बीच भारत में विभिन्न हलकों से चीनी सामान के बहिष्कार की बात उठी है। चीन अपनी सस्ती वस्तुओं के साथ विश्व बाजार में बड़ा स्थान बना चुका है। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। पाक सेना को भारी पड़ी गोलीबारी, भारतीय जवानों ने दिया करारा जवाब। दिवाली पर दिल्ली मेट्रो सेवा रात 10 बजे तक। मुंबई में दीपावली के दिन कंडील उड़ाने पर रोक। मुशर्रफ ने कबूला, आतंकवादी है मसूद अजहर। इमरान खान से डरी पाक सरकार, इस्लामाबाद में प्रदर्शनों पर रोक।